फ्रेंड कैसे हैं? चमन बाहर ब्लॉग से बताने के लिए धन्यवाद। और आज हम अपने आए हैं सिस्टर के यहाँ, जो कि आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे। लाए हैं हम, उससे बैठे हैं, तो बैक कैमरे से देखिए। ये देखिए छत पे जो है कि धान सुखाया जा रहा है, ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। और यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार है। देखिए बगल वाला छत पे कट्टे में पूरा धान, क्योंकि अभी धान का समय है तो धान कट के आ रहा है, तो इस समय धान ही धान आपको हर एक घर में दिखाई देगा। गांव का यही है सिस्टम। और ये देखिए उपला जो कि सुखाया जा रहा है धूप में। और ये देखिए इसे हम लोग ऐसे तो नवारी बोलते हैं, जो कि इससे धान झाड़ा गया है। और ये देखिए सब कट्टे में सब धान होगा, सब में धान है। और यहाँ के आसपास का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए गांव का माहौल ही कुछ और होता है, क्योंकि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए चेयर मिला हम लोग को बैठने के लिए, साथ में है जो हमारे चेरा भाई लगता है राजू, और दो चेयर है इसको बैठने के लिए हमको मिला है। चलिए आगे वीडियो में फिर मिलेंगे। हेलो संतोष, आए नहीं संतोष जाओ, तू आ जाइयो हमर पेट पाए जा समझ के जा रहे, ठीक हो? फोन पर बात करते हुए हमारे जीजा हुए, और जो उधर बैठे हैं हमारे सिस्टर हैं, और उधर जो पीछे खड़ा है वो हमारा भांजा था। जो दिखाई दे रहा है फिर होता है, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल पाता है, मैं बुलाने का कोशिश किया उसको लेकिन नहीं बोल पाता है। अब देखिए फ्रेंड, हमारे सिस्टर के यहाँ गाय है, तो गाय देखिए एक गाय है जो कि बच्चा दिया है, बछड़ा ये है, जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है बछड़ा ये। और ये देखिए गाय को रहने के लिए गौशाला कुछ इस प्रकार बनाया गया है, और ये जो मशीन आपको दिखाई दे रहा है इसी से गाय का चारा काट करके दिया जाता है।